दोस्तों, रमज़ान मुबारक की रातों में से एक रात शबे खदर की रात होती है, जो बहुत ही बाबरकत और खैर की रात है। कलाम पाक में उसको हज़ार महीनों से अफजल बताया है। मैंने हज़ार महीनों के माने 83 बरस, 80 पर 3 बरस 4 महीने होते हैं। खुश नसीब है वो शख्स इस रात की इबादत नसीब हो जाए। और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स लैलतुल कद्र में ईमान के साथ और सवाब की नीयत से इबादत के लिए खड़ा हो तो उसके लिए पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिया जाते हैं। और रमज़ान के आखिरी अशरे में 5 ताखरातों में से ये लैलतुल कद्र होती है। तो 5 ताखरातें हैं 21, 23, 25, 27 और 29। इस 5 ताखरातों में से रमज़ान के माह रमज़ान के महीने के 5 ताखरातों में से जो लैलतुल कद्र हो सकती है। रमज़ान की आखिरी रात में जो शख्स ईमान के साथ सवाब की नीयत से इस रात में इबादत करे तो उसके पिछले सब गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इसलिए हम जो आखिरी अशरे के इस 5 ताखरातों में से लैलतुल कद्र के लिए तलाश करेंगे। दोस्तों, रमज़ान के आखिरी अशरे को गनीमत समझना चाहिए। इतना भी ना हो सके तो अशरे के आखिर की ताखरात को हाथ से ना खाने देना चाहिए। और खुदा ना का वास्ता ये भी ना हो सके तो 27 की रात को शब को बेहतरीन गनीमत समझना चाहिए।